ओ मनी लॉन्ड्रो रूल से गए और लेकर केस बढ़ी जाई है। वो जिसको अल्लाह ना गिराए उसको कोई ताकत नहीं गिरा सकती। इमरान खान मर्द का बच्चा, मर्द का बच्चा चार गोलियां खा के पाकिस्तान की जेल लाहौर में बैठा हुआ। मैं फौजी हूँ, मैंने इस मुल्क को अपनी जुबानी दी है, अपने ख्वाहिशात दी है, अपना खून दिया है। मेरा खानदान फौजी बैकग्राउंड रहता है, तो ये मनी लॉन्डर लूट के खा जाए क्यों खा जाए? अभी शहीद के बच्चे रोटी मांग रहे हैं, शहीद बेवा कपड़े मांग रही है, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन इंसाफ करेगा? अभी आवाम पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आप अपने आंसू साफ करें, रोए मत, कुछ नहीं होता। सब कुछ बहा दिया है, पसीना बहाया, खून बहाया, गोलियां खाई है, फाइटे काटे है, सब कुछ किया। अभी जान देने के लिए जा रहे, इधर गाड़ियां भेजो, मैं जेल में डालो, भूखे मार दो, मेरे बाजू तोड़ो, टांगे तोड़ो, कमर तोड़ो। रोजे मशर वाले के नाले में उसे पूछेगा, मैं कहूंगा कि सच पे ये मुझे सजा मिली थी, सच कहेंगे चोर ये मनी लॉन्डर है, घूस बैठिए। तो आपकी गिरफ्तारी देने से क्या हो जाएगा, मुल्क ठीक हो जाएगा क्या? मेरा जमीर मुतमान हो जाएगा, किसी को मुतमान नहीं करना, मेरा जमीर मुतमान हो जाएगा। मुल्क के 2 करोड़ आवाम भूख से मर रहे, इफलास से मर रहे हैं, हम घर नहीं बैठ सकते। वो तो कह रहे हैं कि एक तरफ आप गिरफ्तारियां देते हैं, दूसरी तरफ जमानतें करवाते हैं। ये वो बिगाड़ते हैं जो पहलवान कुश्ती करते हैं, जो नीचे होता है ना, वो नीचे से होकर ऊपर वाले कहते हैं बेगैरत है, मुझे छोड़। ये वो बेगैरत लोग हैं। नहीं तो ये इनमें से कौन बेहतर है, नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना साहब, कौन बेहतर है? मैं तो उनका नाम ले लेता हूँ, वो जो जानवर है फैला उसका नाम ले, इनका नाम नहीं लेता हूँ। 40 सालों के मैंने इनको करीब से देखा है, फौज में सर्विस की है, कमांडो में सर्विस की है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ इनके बारे में, बहुत कुछ जानता हूँ। अच्छा, इनके लिए गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में। मेरा मैसेज है इनको, पाकिस्तान छोड़ के भाग जाओ, वरना टिक्का बोटी हो जाओगे, टिक्का बोटी हो जाओगे, आवाम खा जाएगी। जब आवाम भूखी होगी तो तुम्हें माफ नहीं करेगी, हम कब तक भूख काटेंगे? वो तो कह रहे हैं ये जो हाल आज किया है वो इमरान खान ने 4 सालों में किया है। तो तुम्हें क्या खारिश लगी थी क्यों आज? अभी खारिश खत्म हो गई है, बाकी है, जो अगर बाकी हो तो वो भी खत्म हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं हम ठीक करने के लिए आए हैं, हमें मौका दें। तो 10-12 माह में क्या ठीक किया है? एक बताओ, 10-12 माह में क्या ठीक किया है? एक बात सीधी नहीं की है, तुम बुरी नीयत से काबिज होने आए थे तो अल्लाह ने तुम्हारा वो असर कर लिया जो एक जंगली जानवर का नहीं होता है, जानवर भी जंगल में आ जाती है। तो ये जो है तुम आवाम में आओ, आवाम में आओ, तुम्हें पता चले कि आवाम तुम्हें खाएगी कैसे। मेरे दांत नहीं है बूढ़ो। नहीं, जो ये नई नस्ल है मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, ये ठीक नहीं है उनसे? ओ ये मरियम नवाज क्या है, ये बागी हो रहे थे, बागी हो, खानदान की बागी, माँ बाप की बागी, पाकिस्तान की बागी, आवाम की बागी। ये मंसूरा चली गई थी वहां से, 3 दिन के बाद आई। नहीं ये तो फिर अब वो पर्सनल अटैक हो जाएगा, पर्सनल अटैक। अगर उसने अटैक किया तो ठीक, वो कत्ल हो गया, शहीद हो गया, तो उसने कहा है कि ये वो अंजाम बच्ची तुम्हारा। तो बाबा जी आपको बच्चों ने मना नहीं किया कि ना जाए, आराम से घर बैठे आराम करें? कोई दुनिया की ताकत मुझे मना नहीं कर सकती, अपने ख्याल से, अपने दिल से, अपने जहन से आया हूँ। तो क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे आपको? एक गाड़ी आई है, वो हमारे सदाकत अब्बासी साहब और हमारे एमपीए बैठे, कुछ लोग उनमें बैठे, गाड़ी भगा के ले गए, यहाँ गाड़ी कोई नहीं है। अच्छा, तो इंतजार कर रहे हैं आप? बिल्कुल इंतजार करेंगे, जेल जाएंगे। मैं कभी जेल में नहीं गया हूँ, ये भी मतलब रिकॉर्ड तोड़ के जाऊँ कि मैं जेल गया था। इससे पहले किसी लीडर के लिए जेल गए आप? नहीं गया हूँ, वो लीडर को था ही नहीं, तो ये सब मनी लॉन्डर से बस एक फोटा खा के वो गिरा सब्जी, दूसरी बार फोटा लगा अलग बन गिरा, इसलिए ठोटे नहीं खाया। इमरान खान ने
ठोडे नहीं खाए, डट के रहा है तीन साल। अच्छा, इमरान खान को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैसेज देते हुए इमरान खान, अभी तुम्हारी आवाम तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं है, हम गोलियों खाने के लिए तैयार है, सबके हर किसी के लिए, हर मुश्किल के लिए तैयार है, आसमान पे जाना पड़े जाने तैयार है, पहाड़ों पे जाना पड़े तैयार है, अगर शुभंकर में जाना पड़े तो हम तैयार है, घबराना नहीं है। क्या क्या कुर्बान कर सकते हैं इमरान खान के लिए? जान से आगे कोई चीज नहीं है, अभी मैं अलविया कहता हूँ की जान कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूँ। बोरी में, बोझी में क्या है? बोरी में ये क्या है? बोरी में क्या है? ये एक तौलिया है, वाई चप्पल है, अपनी आंखों की मतलब दवाई रखी हुई है, एक पेनाडाल पत्ता रखा हुआ। अच्छा, बंदोबस्त करके आए? बिल्कुल बंदोबस्त करके आए। ठीक है, बच्चों को क्या 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 कराए हैं, घर में क्या क्या कराए हैं? किसी को कुछ नहीं कहा है, सबको पता है कि हमारा बाप कहाँ गया है, किस लिए गया है, क्यों गया है। अभी इस मुर्द में 43 साल मैंने गवर्नमेंट सर्विस की है, एक कच्चा मकान नहीं बना सका हूँ, तो मैं आवाम के टैक्स के पैसों की बात ना करो, क्यों ना करो? अगर मैंने आराम नहीं खाया, किसी को क्यों खाने दू? जान दे दूंगा, कोशिश करूंगा पूरी के, ये मनी लॉन्डर भाग जाए, भाग जाओ, इस मुल्क में तुम्हारी जगह नहीं है।